दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए बताओ जंगल में ऐसा कौन सा जानवर है जो किसी से नहीं डरता और हर जानवर का शिकार कर सकता है, तो आपके दिमाग में एक ही जीव की तस्वीर आएगी और वो है शेर। तभी तो दोस्तों शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है। अगर शेर ने एक बार किसी जानवर को शिकार के लिए तय कर लिया तो समझो उस जानवर की ज़िंदगी पूरी हो गई। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शेर के कुछ ऐसे ही हमले। दोस्तों यहाँ देखिए, भैंसों का एक झुंड घास खाने के लिए निकला हुआ है, लेकिन बेचारे इन भैंसों को अंदाज़ा भी नहीं है कि आगे कितना बड़ा ख़तरा है। तभी भैंसें जब घास खाने के लिए ठहर जाती हैं, तभी पेड़ के पीछे छुपा हुआ शेर अपनी पूरी रफ्तार से भैंसों पर हमला कर देता है। भैंस जब शेर को देखती हैं तो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती हैं। सभी भैंसें भागने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन बेचारी एक भैंस नहीं भाग पाती है और वो शेर का शिकार हो जाती है। भैंस खुद को शेर की पकड़ से निकालने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन शेर की पकड़ इतनी मजबूत है कि भैंस की सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। काफ़ी देर तक ये लड़ाई चलती है, आखिरकार बेचारी भैंस हार मानकर शेर के आगे अपने घुटने टेक देती है और शेर का खाना बन जाती है। दोस्तों यहाँ देखिए, दो इम्पाला मस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तभी अचानक से एक शेर उन दोनों इम्पाला पर हमला कर देता है और उनमें से एक इम्पाला इसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन दूसरे इम्पाला का नसीब इतना अच्छा नहीं था और वो शेर की पकड़ में आ जाता है और शेर उस इम्पाला की गर्दन को अपने मुंह से ज़ोर से पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर में उसे अपना शिकार बना लेता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चीता कितनी तेज़ी से दौड़ते हैं, लेकिन जब मौत करीब आ जाए तो फिर कोई काबिलियत किसी की काम नहीं आती है। दोस्तों यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों यहाँ एक चीता घास में बड़े आराम से बैठा हुआ है, पता नहीं क्या सोच रहा था कि शेर के इतने करीब आने पर भी चीता वहीं बैठा रहा। जब चीते की नज़र शेर पर अचानक से पड़ती है तो चीता वहाँ से भागने की कोशिश करता है और अपनी जान बचाने के लिए खूब तेज़ी से दौड़ता है, लेकिन चीता शेर से भागने में कामयाब नहीं हो पाता है। शेर उसे वहीं पर दबोच लेता है और थोड़ी देर में उसे अपना भोजन बना लेता है।